अच्छा जब मैंने इनको 500 रुपए दिए तो क्यों रोने लगे अम्मा? रोने लगे सर, हमारा कोई है नहीं सर, आप लोग ये कल मिल जाते। आप लोग तो हमारे पापा होते थे, अब अकेले होते क्या करे। अस्पताल में आप क्यों रो क्यों नहीं, आप ये बताइए। एक साल तक इलाज करवाते हम, ना हमारे मम्मी है ना पापा, हमारे खत्म हो गए, मम्मी है बूढ़ी। अच्छा। अकेले सर इलाज दादरी से आते हैं सर, रोज रोज आते हो बेटा? जी सर, हमारा इलाज सर एम्स मेडिकल में चल रहा था, अब फिर वहाँ से हमें रेफर कर दिया इसके अंदर सर। जी जी। अब इसके अंदर चल रहा है सर इलाज। कितना उम्र है बेटा आपकी? 14 साल सर। 14 साल, तो कोई बेटा बेटा है आपका? नहीं। इसके अलावा कोई? 3 लड़की 1 लड़का, इसका बाप गुजर गया। कितने साल हो गए उनको गुजरे हुए? 4 साल अतीत। किराया भाड़ा कहाँ से लेके आएगा रोज? 1-2 साल होने वाला सर, अकेले इलाज करवाते हैं हम, हमारा कोई नहीं है सर। ये हॉस्पिटल वाले ये लोग कहते हैं बेटा रोज आया करो, तो हम सर दादरी से रोज आते हैं। दादरी से रोज आते हो? जी सर। तो दादरी से कैसे आते हो बेटा, किराया कैसे लगे? किराया सर जैसे इधर से, सर इधर से लगता है 200 रुपये, उधर से 200 रुपये लगता है सर। डेली 400 रुपये आपका लगना है? जी सर। तो डेली 400 रुपये कहाँ से लाते हो अम्मा? हम जहाँ जिस जगह रहते थे दादरी, वहाँ एक अनाथ आश्रम है, तो वही लोग थोड़ा बहुत मदद करते हैं सर। मम्मी वहाँ पे काम करती है, झाड़ू पोछा कर देती है, तो वही लोग रात में पानी सब चीज देते हैं। आपके कहाँ पे दिक्कत है? ये था सर, ये था। अच्छा गांठ है आपको, कैंसर की गांठ बताइए। जी, यहाँ रात को ये करवा दिया था सर। जी, इधर ऑपरेशन करवा दिया था। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन हो गया है? जी। आप परेशान ना हो, ये मतलब ये बस यही आपका सब कुछ यही है आपका? हाँ, यकी वही लागे हम रो रहा है बाबू, हम क्या बता। असल में हम यहाँ से गुजर रहे थे, ये जस्ट मेरे पीछे कैंसर डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे हर हफ्ते आता हूँ, तो मैंने इनको देखा जस्ट ये खाना खा रहे थे रोड पे, तो मैंने इनको सिर्फ 500 रुपये दिए, 500 रुपये दे के मैं चला गया, और दोबारा फिर आया कि शायद इनको और ज़्यादा ज़रूरत हो, तो देखा कि हमारी माँ रो रही थी और कंटिन्यू जब से रो रही है। तो बेटा तुम पढ़ते हो नहीं, क्या करते हो? नहीं सर, काम करते थे सर, पहले काम करते थे सर हम। क्या काम करते थे? उस बिजली की दुकान में करते थे सर काम। जी जी जी। कितना पैसा मिलता था वहाँ पे? सर 6,000 रुपये मिलता था। अच्छा। और जब से सर बीमार पड़ गए, 2-3 साल होने वाला सर, नहीं गए काम। अच्छा जब मैंने इनको 500 रुपये दिए तो क्यों रोने लगे अम्मा? रोने लगे सर, हमारा कोई है नहीं सर, आप लोग ये कल मिल जाते। आप लोग हमारे पापा होते थे, अब अकेले होते क्या करे। कुछ नहीं होता बेटा, सुनो जिसका तो शेर है, शेर जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला मदद भेजता है, उसको भेजता है ना। मैंने तुझे देखा था, मैं जानता हूँ तुझे, नहीं जानता ना। मैंने अचानक मेरी गाड़ी ने ब्रेक लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि ऊपर वाले ने मदद पहुँचानी थी तुझे। अभी भी सर उधर शुक्रवार को गए थे, भीख मांग गए थे, बोलना करते इधर किराया दे दो कोई, तो एक दीदी ने दिया था 40 रुपये से घर गए थे सर, बहुत मजबूरी है सर, ना घर दी दुआर है कहीं सर, दूसरे से भाग भाग के आते हैं सर रोज। दुख छूट जाए बस हमारा दुनिया बदल जाएगा। एक 14 साल का बच्चा इस हाल में है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी जात धर्म से ऊंचे उठ के हमेशा से मदद करनी चाहिए। एक 14 साल का बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि पिछले हफ्ते कंडीशन ये आ गई कि भीख मांग के इनको वापस जाना पड़ा। जी सर, बहुत नगर से भीख मांग के गए थे सर। हमने इनको सिर्फ 500 रुपये दिए, यकीन माने मुझे नहीं पता था कि इनको क्या जरूरत क्या प्रश्न है। 500 रुपये दिए, आप नहीं देते तो आज भी सर किसी से मांग के जाते हैं सर, आप लोग की तरह अक्कल लोग मिल जाते दे देते, नजर किसी को दया नहीं आता आज की डेट में। अब रोइए मत। सच में आज पैसे नहीं थे आपके पास? नहीं सर। बेटा अब मेरे पास सब खत्म हो गया पैसा, ये अम्मा लीजिए, ये 2,500 रुपये है, 2,500, ठीक है ना? रोना नहीं है। नहीं नहीं, नहीं।
कितना गले मिल जाए सब। अब उधर दो साल इधर अकेले इलाज करवा रहे, अपना अपनी जिंदगी खुद बचा रहे, कैंसर की बीमारी हो गई तरह में, तब भी इधर हमारे हॉस्पिटल वाले तो इलाज कर रहे हैं। इतने तो 1.5 लाख रुपए लगाते दीदी लोगों ने दिया था ऑपरेशन के लिए। तो बेटा परेशान ना हो, ठीक है ना। देखो ऊपर वाला जब मदद भेजता है ना, ऐसे भेजता है, भगवान भी मैं इंसान हूँ, ये इंसान का काम है अम्मा, ये इंसान का काम है। लोग इतना अंकल कोई मिलते मिलिए भैया क्या है सर, बहुत घर में जो है रोटी नहीं है सर खाने के लिए, दूसरे सर अनाथ आश्रम पे काम करती है हमारी मम्मी तो देती है खाने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद क्या करो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। कहाँ जाओगे यार, कहाँ जाओगे दौलत जोड़ के, कहाँ जाओगे। ये सब ना फ़ानी होने वाली चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है, दौलत है ना सब ख़त्म हो जाएगी। ये करो, ऐसे लोगों की मदद करो, इनकी जो दुआ है ना वो सच में वो कभी खाली नहीं जाती। आओ आगे मदद करो, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा ठीक है ना।